The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So सवाल ये है कि डायबिटीज के लिए इंसुलिन अच्छी है या दवाइयां? ये सवाल का सही जवाब जानने से पहले आपको थोड़ा सा हम डायबिटीज और दवाइयों के बारे में बताएंगे, फिर इंसुलिन के बारे में बताएंगे। डायबिटीज आपकी बॉडी को शुगर सही तरीके से इस्तेमाल करने से रोकता है और डायबिटीज के पेशेंट्स जो हैं उसमें जो जितनी सही मात्रा से उनकी बॉडी शुगर इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर पाती है तो उनके बॉडी में शुगर इकट्ठा होने लगती है बॉडी ब्लड में। नाउ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डायबिटीज, ये हमने ऑलरेडी पहले बताया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन डायबिटीज में कायदे से जो डायबिटीज में हिसाब किताब है कि आपके पैनक्रियाज एक इंसुलिन नामक हार्मोन बनाते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड शुगर को ब्लड से अंदर सेल्स में घुसाता है। इट्स द की ऑफ दिस। सो ब्लड शुगर को ब्लड से अंदर सेल में घुसाने के लिए इंसुलिन चाहिए और जितना ब्लड में शुगर आता है उतना पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। और दो टाइप की बीमारियां होती हैं इससे रिलेटेड। टाइप वन में इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो रिड्यूस हो जाता है या बंद हो जाता है। तो जब इंसुलिन ही होगा तो ब्लड ग्लूकोज अंदर ही नहीं जाएगा, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रहता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए दवाइयों का कोई हेला देना नहीं है। टाइप वन डायबिटीज में केवल इंसुलिन ही चाहिए ट्रीटमेंट के लिए और कोई लेना देना नहीं है दवाइयों का। लाइफस्टाइल चेंजेस मैटर करती हैं जरूर, वो हम बात करेंगे। टाइप टू डायबिटीज में इंसुलिन आ रही है, शुगर बढ़ रही है, शुगर आप ज़्यादा खा रहे हो इंसुलिन ज़्यादा आ रही है, शुगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो इंसुलिन बहुत ज़्यादा आ रही है। इससे क्या हो रहा है, सारी की सारी शुगर अंदर जाती जा रही है, आपके बॉडी के अंदर जाती जा रही है, बॉडी के अंदर स्टोर होती जा रही है, मोटे होते जा रहे हैं। बॉडी कह रही है भैया मैं को भार नहीं सहन हो रहा, मेरा 10 किलो बढ़ गया, मेरा 20 किलो बढ़ गया, हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ, 30 किलो बढ़ गया, ये आदमी सुनता ही नहीं है, ये इंसान खाता ही जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंट कर दो। सो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देती है कि जितना मर्जी खाते जाओगे आपकी शुगर बढ़ती जाएगी, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा बढ़ता जाएगा लेकिन इंसुलिन उतना तेज़ी से सेल के अंदर नहीं डालेगा, क्योंकि मोटे होते जा रहे हो, उतना इस्तेमाल ही नहीं है आपको बॉडी का, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता जाता है डायबिटीज टाइप टू में। सो बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, डायबिटीज टाइप टू में इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा है, इंसुलिन ऑलरेडी आपकी बॉडी में ज़्यादा है, रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट इज नॉट इंसुलिन। जी हाँ, सही सुना आपने, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज टाइप टू इज नॉट इंसुलिन। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज टाइप टू इज टू रिड्यूस इंसुलिन लेवल्स इन द बॉडी बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फूड यू ईट, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन बनाना ही कम पड़ेगा, कम बनने वाले इंसुलिन रेजिस्टेंट इंसुलिन से काम हो जाएगा अगर आप खाने में इतने कार्ब कम कर दोगे। तो वहां पे डायबिटीज टाइप टू का ट्रीटमेंट है डाइट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड देन मेडिसिंस विच कैन इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी, विच कैन इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। इवन सिक्रीशन इज नॉट द बेस्ट बट सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वो अपने आप अंदर लेते जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी बोलेगी यार ये दवाई खा के अंदर भिजवा रहा है लेकिन मैं तो मोटे हूँ, क्या है यार खाना तो कम खा ले यार, कितना खाएगा, खाना तो कम खा ले भाई, है ऐसे बोलते। सो एवरी सेल इन द बॉडी यूजेस ग्लूकोज फॉर एनर्जी और भाई साहब उतना नहीं यूज़ हो रहा जितना आप डाल रहे हो, इसलिए आपको डायबिटीज़ है और इसलिए शुगर खून में घूम रही है, इसलिए वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन करेगी, मोटापे का कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉम्प्लिकेशन है मोटापा, विशियस साइकिल। सो कौन कौन सी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और क्या करती हैं दवाइयाँ, समझते हैं थोड़ा सा तब आपको समझ में आएगा कि यस कैसे होता है। वेराइटी ऑफ पिल्स आर अवेलेबल, जो क्या होता है जो सबके लिए हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि अलग अलग टाइप के
पिल्स है, दवाइयाँ, और वो उसी को हेल्प करेंगी जिसका पैनक्रियाज कुछ इंसुलिन तो बना रहा है। तो इतना दवाइयाँ टाइप टू में, टाइप वन में काम नहीं करेंगी, ऑलरेडी सेड। टाइप वन में दोनों से फायदा होगा, इंसुलिन देने से ऐसा नहीं कि फायदा होगा ही नहीं, होगा। शॉर्ट टर्म में ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड शुगर अंदर चला जाएगा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इनसेंसिटिव नहीं है कि भी जरा भी डालोगे, कितना भी डालोगे कुछ नहीं होगा, नहीं, रेजिस्टेंट है। ज्यादा दोगे तो कुछ तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सो पीपल, क्या करना इसमें क्या है, देर आर टाइप्स ऑफ मेडिसिन। नंबर वन मेडिसिन इज मेटफॉर्मिन बाय ग्वेनेट्स। इसमें कई सारे प्रकार की आती है। मेटफॉर्मिन एक बायोग्वेनेट है। ये क्या करता है, इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट बूस्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी। दैट्स व्हाई ये भाई साहब मेटफॉर्मिन नंबर वन दवाई है जो सारी दुनिया में लोगों को चलती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बूस्ट करता है और ये अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज करता है। इट माइट हेल्प यू लूज वेट। सो इसको दिन में दो बार लिया जाता है, एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन से एक बार भी लिया जा सकता है मेटफॉर्मिन को। फिर बात करें दूसरी दवाई, सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया एक फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है। ये करती है पेनक्रियाज को डायरेक्ट इंसुलिन सिक्रीट करने में मदद। सो पेनक्रियाज से इंसुलिन बढ़ाने में मदद करती है, सिक्रीट करवाने में सल्फोनिल यूरिया, जैसे कि जिनका नाम है ग्लिमिप्राइड, ग्लिकाजाइड, ग्लिबुराइड और ग्लिपिजाइड। ग्लिमिप्राइड ना, मैं ब्रांड नेम नहीं ले रहा हूँ, मैं केमिकल नेम ले रहा हूँ, याद रखिए। यह दवाई खाने के बाद ली जाती है तुरंत या खाने से बिल्कुल पहले, विथ मील, बेसिकली विथ मील। फिर दवाई आती है मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स आर बेसिकली रिपाग्लिनाइड, नेटाग्लिनाइड, ऐसी दवाई। नाउ ये क्या करती हैं, ये भी आपके पेनक्रियाज को खाने के बाद में इंसुलिन बनाने में, इंसिक्रीट करने में स्टिमुलेट करती है। इसको भी फिर खाने के बाद लिया जाना जरूरी है, मैग्लिटिनाइड। मैग्लिटिनाइड यानी रिपाग्लिनाइड, नेटाग्लिनाइड। उसके बाद दवाई है थायोजोलिडिडोन्स, थायोजोलिडिनिडोन्स, बड़े खतरनाक नाम है ये। पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन नाम सुना होगा आपने। ये लिया जाता है दिन भर में एक ही प्रकार में। ये आपकी बॉडी को इंसुलिन से ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। इसका एक साइड इफेक्ट है, इससे वजन बढ़ जाता है। ऑब्वियसली अंदर ले जाएगा तो वजन बढ़ेगा, है कि नहीं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर एच डी एल, गुड कोलेस्ट्रॉल। सो ये वजन भी बढ़ाता है। बाकी तो सबके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं जो हम बात कर सकते हैं। ये दवा आपके हार्ट के अटैक या हार्ट फेलियर के रिस्क बढ़ा देती है, इसलिए ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट के रिस्क ऑलरेडी है उसको नहीं दिया जाता। फिर आती है दवाई DPP-4 इनिबिटर्स, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनिबिटर्स। ये क्या करती है, ये आपके इंसुलिन लेवल्स को बेसिकली, ये इनिबिटर क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं आपके इंसुलिन लेवल्स को, और आपकी बॉडी जितना ग्लूकोज बनाती है उसको ये कम करते हैं। तो हेल्प्स स्टेबलाइज योर इंसुलिन लेवल्स एंड लोअर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज व्हिच योर बॉडी मेक्स। इसको भी आप वन या ट्वाइस अ डे लेते हैं, सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टिनिनिटिनालीग्लिप्टिन, ऐसी दवाएं। फिर आती है भैया अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। बहुत सारी दवाई है मुझे पता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में दवाइयाँ आती है कार्बोस। ये आपके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन होने में स्लो करती है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती अभी, बट ले सकते हैं। और फिर आती है दवाइयाँ SGLT2 इनिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स। ये किडनी को वापस ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करने से रोकती है। किडनी से कई बार शुगर निकलती है यूरिन के साथ, वो नॉर्मली जाती है, यूरिन में आ जाती है, फिर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ये रीअब्जॉर्प्शन से रोकती है, तो सीधा सीधा निकाल देती है। ये दवाइयाँ बहुत महंगी है, राइट। ये कानाली डपाग्लिफोक्सिन फ्लोजिन, राइट, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कानाग्लिफ्लोजिन, बड़ा ज़ोरदार महंगी दवा है। और इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्यास ज़्यादा लग सकती है। ये सारा हिसाब किताब है। ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में। और इंसुलिन तो आप जानते ही हो, इंसुलिन इंसुलिन है। इंसुलिन से बेसिकली
लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग ऐसी इंसुलिन आती हैं और इंसुलिन पंप भी आते हैं. सो यूजुअली सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको डायबिटीज टाइप 2 है, आप खाना कितना खा रहे हो. अगर आप खाना बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज मेडिसिन एंड कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस. अगर ये तीनों चीज़ें कंबाइंड करके करेंगे तो आपका प्रॉपर हेल्थ वाइज ट्रीटमेंट होगा, हेल्दी रहोगे. अगर सिर्फ ऐसा है कि इंसुलिन 300, 400, 500 हो गई है तो फिलहाल इंसुलिन कम करने की ज़रूरत है, एसिड ना बन जाए उसमें. फिर सॉरी शुगर ज़्यादा हो गई है तो फिलहाल शुगर कम करने की ज़रूरत है उसमें, फिर इंसुलिन काम करती है, फिर आपको इंसुलिन देना पड़ेगा. जब दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन देना पड़ता है. बट केवल इंसुलिन सिर्फ डायबिटीज टाइप 1 में देना चाहिए. हमेशा इंसुलिन प्लस दवाइयाँ प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज शुड बी द पॉइंट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट इन डायबिटीज टाइप 2. एंड टाइप 1 में यू कैन गो विथ इंसुलिन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस अलॉन्ग विद अदर थिंग्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक अबाउट डायबिटीज ट्रीटमेंट. सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड आस्क क्वेश्चंस एंड लाइक आवर चैनल. ओके.